हाय एवरीवन, तो गाइस सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि ये वीडियो स्पेशली 12th के स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनके पास है इंग्लिश। जी हाँ, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद राहुल। आइए शुरू करते हैं। तो गाइस आपको पता है आपकी दो बुक्स हैं, एक है फ्लेमिंगो दूसरी है विस्तास। तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आंसर्स आते हैं और क्या क्या पेपर में कैसे मैनेज करना है। समटाइम्स आपके पास टाइम नहीं हो पाता कि आप पूरा चैप्टर रीड करें, इसके लिए ये वीडियो बनाई है क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर आपको फ्लेमिंगो और विस्तास से रिलेटेड उनके सारे चैप्टर्स की समरी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या आने वाला है और कैसे उनको मैनेज करना है। एज यू नो कि हमारी दो बुक्स हैं फ्लेमिंगो और विस्तास। जो विस्तास है उसके अंदर है हमारे 8 चैप्टर्स और जो फ्लेमिंगो है उसके अंदर भी हमारे 8 चैप्टर्स ही हैं, बट फ्लेमिंगो के अंदर हमारी 6 पोएट्रीज भी हैं। तो पोएट्रीज को कैसे मैनेज करना है और जो हमारे चैप्टर्स हैं उन्हें कैसे मैनेज करना है, तो गाइस पहले बात करते हैं चैप्टर्स की। इस चैनल पर आपको क्या मिलेगा? चैनल पर आपको मिलेगी हर एक चैप्टर की समरी। उस समरी के अंदर मैं मेंशन करूंगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट्स, जो कि आप अगर एक बार देख लेंगे तो आई एम श्योर कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बिकॉज आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू हेयर एवरीथिंग। उस समरी के एंड में, जब समरी ख़त्म हो जाएगी तो मैं एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। ये कोई 5 से 10 क्वेश्चंस के बीच में होंगे। एज यू नो कि हमारी दो बुक्स हैं, एक है फ्लेमिंगो दूसरी है विस्तास, और जो फ्लेमिंगो है उसके अंदर है हमारी 6 पोएट्रीज प्लस। तो 6 पोएट्रीज है उसको कैसे मैनेज, जैसा कि आपको पता है हमारी फ्लेमिंगो में है 6 पोएट्रीज। तो मैं हर एक पोएट्रीज को रीड आउट करके आपको बताऊंगा और समझाऊंगा अच्छे से, और उसके बाद बनते हैं कुछ क्वेश्चंस वो भी आपको बताऊंगा। तो गाइज अब मैं बात करूंगा ग्रामर सेक्शन की। बहुत से स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं कि ग्रामर को कैसे मैनेज करें। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि नोट मेकिंग को करना कैसे है। तो गाइज आप टेंशन ना लें, मैं हूँ यहाँ पर, मैं आपकी मदद करूँगा। मैं आपको बताऊंगा कि नोट मेकिंग कैसे करना है, मैं आपको बताऊंगा कि रिपोर्ट कैसे करनी है, मैं आपको बताऊंगा कि स्पीच कैसे करना है, नोटिस कैसे करना है, एंड जितने भी लेटर आएंगे कैसे मैनेज करने हैं। सबसे ज़्यादा लेटर के आने के चांसेस होते हैं वो हैं हमारे लेटर टू एडिटर या फिर जॉब लेटर। तो गाइस आपको मैं एक ऐसा ईजी और कन्वीनियंट कंसेप्ट बताऊँगा जिसमें आपको करना है बस माइनर से चेंजेस, बहुत छोटे से चेंजेस करने हैं और आपका लेटर हो जाएगा रेडी। तो आप टेंशन ना लें उसकी, बस क्या करना है आपको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझसे जुड़े रहना है। तो गाइस ग्रामर सेक्शन के लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आई एम हेयर फॉर यू। तो गाइस मैंने कर दिया है अपना काम और अब आपको करना है अपना काम कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चले कि व्हाट आई एम गोइंग टू टीच हियर। एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करना बिकॉज बेल आइकन अगर आप प्रेस नहीं करोगे तो मेरे आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा और हर एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आई एम 100% श्योर कि यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, यू जस्ट कम टू मी एंड आई विल टेक यू अहेड। मैं आपको आगे ले जाऊंगा, मैं आपको पास कराऊंगा एंड आई विल टेक गारंटी। आई एम 100% श्योर कि आपको बस मेरी वीडियोस देखनी है, जो मैं बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना है और आप हो जाएंगे पास बहुत अच्छे नंबर से। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। Thanks for watching the video. Have a good time.